एवरीवन आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने आ, सिर्फ सिंटेक्स देखना है कि हम कंस्ट्रक्टर को किन दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई काउंटर ठीक है उसके बाद मैंने लिखा है प्राइवेट कीवर्ड उसके बाद मैंने इसका एक डेटा मेंबर डिफाइन किया काउंट ठीक है अब इसके बाद मैंने पब्लिक कीवर्ड लिखा और इसके बाद यहाँ पे हैं दो मेजर सिंटेक्स जिनकी हमने आज बात करनी है तो सबसे पहला वाला जो सेंटेक्स है ये मोर प्रेफर्ड अप्रोच है ठीक है अलबत्त आप दूसरा वाला भी यूज कर सकते हैं दूसरा वाला भी वैसे ही वर्क करेगा पहला वाला मोर प्रेफर्ड क्यों है इसकी रीजन अभी कॉम्प्लेक्स हैं आगे जाके आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद रियलाइज होना शुरू हो जाएगा तो अभी अगर हम यहां पे देखें तो सिंपली ये कि आपने काउंटर बेसिकली uh, हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो सेम होता है क्लास के नेम के ठीक है इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं उसके बाद यहाँ पे जो उसकी आर्ग्यूमेंट्स वाली ब्रैकेट है उसके बाद आपने डाला कोलन और उसके बाद आपने जो आपका डेटा मेंबर है लाइक काउंट ठीक है तो काउंट और आगे ऑर्ग्यूमेंट्स की ब्रैकेट्स डाली और जीरो बेसिकली हुआ ये कि काउंट जीरो से इनिशलाइज हो गया काउंट में अब जीरो वैल्यू स्टोर हो गई और यहाँ पे इसकी बॉडी एम है ठीक है उसके बाद जो दूसरी तरीका है वो ये है दूसरा कि आपने लिखा नाम जो बेसिकली क्लास का नाम है नो रिटर्न टाइप मीन्स दिस इज कंस्ट्रक्टर और उसके बाद आपने सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करके जिस तरह हम जनरली करते हैं कि आपने ये स्टेटमेंट लिख दी अब इसमें ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स के आपके पास डेटा uh, मेंबर्स जो हैं वो एक से ज्यादा हों लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एक और डेटा मेंबर है इंट ए ठीक है अगर आपके पास और डेटा मेंबर्स हैं तो तब आपने क्या करना है आपने सिंपली Uh, हम अगर यहाँ पे देखते हैं फॉर मल्टीपल डेटा मेंबर्स आपने लिखा क्लास का नाम ब्रैकेट्स आगे कोलन ठीक है और उसके बाद आपने पहला डेटा मेंबर लिखा काउंट यहाँ पे आपने लिख दी जीरो वैल्यू फिर आपने सिंपली कॉमा डाला और उसके बाद आपने दूसरा डेटा मेंबर लिखा सिंपल ये आपका सिंपल सेंटेक्स होगा और उसके बाद बॉडी आपकी अगेन एम होगी तो यहाँ पे जो है हमने मल्टीपल डेटा मेंबर्स का फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपके पास एक डेटा मेंबर इंट बी भी होता तो सिंपली आप क्या करते कि कॉमा लगाते और बी और आगे जीरो तो ये हमारे पास जो है वो इनिशियलाइजर लिस्ट है आउटसाइड बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर्स ये कुछ सिचुएशन में ये बहुत प्रेफर्ड अप्रोच होती है ठीक है लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हमें कॉन्स्टेंट डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कराना होता है तो हम उसको इनिशियलाइजर लिस्ट में ही इनिशियलाइज करा सकते हैं सिर्फ ठीक है और उसके अलावा जब कंस्ट्रक्टर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ होता है एग्जीक्यूट होना तो उससे पहले ही वैल्यूज जो हैं वो इनिशलाइज हो चुके होती हैं डेटा मेम्बर्स को तो आज का मेरा टॉपिक इतना ही था आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू